मैं यहाँ खड़ा हूँ एटा जनपद के सबसे व्यस्तम मार्केट बाबूगंज में, और यहाँ एक बहुत करोड़ों रुपए की जो दुकान है उस पर कब्जा करने की भूमाफियाओं ने कोशिश की है। मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे। ये बेस गेम की दुकान है गुप्ता ज्वेलर्स डायमंड शोरूम की, और आरोप ये है कि आज रात में इसमें तोड़फोड़ की गई है और कुछ लोगों ने इस पर कब्जा करने की भी कोशिश की है। हमारे बीच है इस दुकान के, इस शोरूम के ओनर मनोज गुप्ता जी, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ घटना हुई है, क्या इनका कहना है। जी, मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं यहाँ गुप्ता ज्वेलर्स के नाम से शॉप है मेरी, मेरे इस बेटे के नाम से दुकान का यहाँ रजिस्टर्ड है ये, और उसका बैनामा भी उसी के नाम है। यहाँ कुछ लोगों ने मेरी बगल की और कुछ पीछे की प्रॉपर्टी ली है, जिसमें नन्नू सिंह वर्मा, श्याम मोहन दीक्षित हैं, उन लोगों ने इसको जबरन कब्जा करने के लिए कोशिश की है तोड़ने के लिए। मुझको सुबह यहाँ के कुछ लोगों ने बताया, मैं यहाँ तुरंत आया, मैंने उनको आके बताया, अड़काया है, उसके बाद वो लोग यहाँ से छोड़ के इस तरह को इसी हालत में चले गए। कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को तोड़ने की कोशिश की? अभी इसका मालिकाना हक किसके नाम है वर्तमान में? मालिकाना हक मेरे नाम है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं काबिज हूँ, ये बरसों पुरानी मेरी दुकान है। ये लोग जो हैं वो भूमाफिया हैं, नन्नू सिंह वर्मा, श्याम मोहन दीक्षित हैं इसमें, दीपक मिश्रा हैं उनके साथ, प्रशांत हैं, ये लोग काफ़ी लोग थे। नन्नू सिंह वर्मा कौन है ये, और क्या कुछ इसमें जो सत्ताधारी पार्टी उसके नेताओं का भी हाथ है? ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता बनते हैं, और इनके पास कई मुकदमे और भी चल रहे हैं इस समय, और ये भूमाफिया हैं, मतलब इस तरह से लोगों की ज़मीन हड़पते हैं, लेते हैं, इनका यही मेन मकसद है, यही काम है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? सूबे में योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात वो करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? सर, मैंने मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि मैं काबिज हूँ, मेरी दुकान मेरे नाम बैनामा है, तो मेरी दुकान मेरे ही रहे। इन लोगों को मैंने पुलिस को अवगत कराया, इंस्पेक्टर साहब को सुबह मैंने कोतवाली आगे भी मैंने देखा, वहाँ कोई मेरे पास आया नहीं था, मैंने काफ़ी फोर्स का बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फोर्स मेरे उपलब्ध नहीं हुई थी। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा, पुलिस फोर्स सूचना के बाद कितनी देर तक, कितनी देर बाद आया यहाँ पर? मैंने ये सूचना करीब 7:15 करीब मैं जाके खुद दे के आया था, लेकिन फोर्स यहाँ 8 बजे उपलब्ध हुई है। अच्छा, हमारे बीच हैं व्यापार मंडल के नेता प्रमोद गुप्ता जी, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी आक्रोश है व्यापारियों में इस घटना को लेकर, क्या कहेंगे? ये मनोज गुप्ता जी हमारे व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, और ये इनकी जो शॉप है गुप्ता ज्वेलर्स, लगभग 50-60 साल पुरानी ये दुकान है, और इनका मालकाना हक भी है। आज जिन भूमाफियाओं ने प्रयास किया है इस दुकान का, व्यापारी बहुत आक्रोश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करूंगा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनकी दुकान की और इनके जान माल की रक्षा की जाए। तो ये थे बीजेपी नेता प्रमोद गुप्ता जी, जो व्यापार मंडल के भी नेता हैं। साफ कहना है यहाँ सारे लोगों का, वो मुख्यमंत्री योगी जी से अपील कर रहे हैं कि जो भी भूमाफिया हैं, जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, जो अवैधानिक रूप से तोड़फोड़ की है, दुकान में कब्जा किया है, इनको, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।